गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। तो काफ़ी दिन से आपको पता है मैं मायके से आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ अपने किचन की क्लीनिंग शेयर करती हूँ, और मेरा भी मन था कि मैं अपना किचन क्लीन कर लूँ। तो आज मैं किचन क्लीन करूँगी, और आज मैंने जो है थोड़ी ही क्लीन करूँगी, क्योंकि सारी बाकी तो क्लीन थी, लेकिन मुझे कुछ लग रहा था कि जो कुछ आधा बाकी है उसको मैं अभी पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रैक है, बर्तन का रैक है, इसको ना मैं वॉश कर रही हूँ स्टील वूल की मदद से। तो पहले मैंने थोड़े बर्तन थे वो निकाल लिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्टील वूल के साथ इसको क्लीन कर रही थी। और आपको पता है यहाँ पे भी थोड़ा पानी, हम जब बर्तन लगाते हैं ना तो पानी गिरता है, उसके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जम जाता है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो आप सभी, आपने पिछली वीडियो में बहुत ही सारा प्यार दिया है मुझे, बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी ऐसे ही अपनी प्यार देते रहना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और ये देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर ना नल चला रही हूँ, बार बार पाइप निकल रही थी बाहर, तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले जो बर्तन थे उनको भी उतार लिया नीचे, और धीरे धीरे करके ही मैं उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि एकदम से बर्तन सभी उतारे नहीं जा रहे थे। तो ये सभी बर्तन वॉश किए हुए थे, लगाए हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चेयर ले ली है, चेयर के ऊपर चढ़ के यहाँ पे मैं अब इसको वॉश करूँगी, और क्योंकि चढ़ना तो मुश्किल होता है, पाँव फिसलने का डर रहता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर से कर रही हूँ इसको क्लीन स्टील वूल की मदद से। और काफ़ी जम जाता है ना यहाँ पे, कुछ येलो येलो सा जम जाता है। तो ये देखिए पाइप बार बार निकल रही थी, और ये देखिए मैं इसको बार बार लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने ग्लास में पानी डाला और फिर उसी से मैंने धो लिया इसको। तो आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और आप सभी कमेंट करके ये भी बताते हो कि आपको कौन सा ब्लॉग लेके आऊँ आपके लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप सभी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और जो बुरे कमेंट्स करते हैं ना उनको सुधर जाइए। मैं आपको आंसर देने पे आ गई, तो मैं अच्छे से आंसर दूंगी आपको। मैंने एक कमेंट देखा था, उसमें एक बदतमीज़ ने ये कमेंट किया हुआ था, तो आप सभी आते हो वीडियो पे तो अच्छे कमेंट्स किया करिए, बैड कमेंट्स करने से आपको क्या मिलता है। और चलो छोड़ो इन बातों को, तो आप सभी देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लीन कर चुकी हूँ रैक, तो यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ मैं, तो धीरे धीरे करके मैं सब बर्तन लगा दूँगी। पहले निकालने बहुत ही आसान हो जाते हैं, बाद में उनको लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डोर पे आ गई हूँ, तो डोर पे ना यहाँ पे सामने पीछे से धूल मिट्टी आती है, तो यहाँ पे जम जाती है, तो उसको मैं अभी साफ़ करूँगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जॉस्ट फ़ैन को क्लीन करूँगी, क्योंकि हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो सारा ऑयल जो है उस पर लग जाता है, और बहुत बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ था उस पर, तो मैं उसको ना साफ़ कर रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको साफ़ किया है। और मैं हमेशा करती भी रहती हूँ, बीच बीच में इसको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें जम जाता है ना, तो जो हमारी तड़का लगाते हैं हम, वो धुआँ वगैरह बाहर नहीं जाता है अच्छे से, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। यहाँ पर मैं डोर को साफ़ कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था, और उसको मैं साफ़ कर रही थी, तो जिस कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी उससे भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल लग चुका था। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं इसको क्लीन करूँगी, और बताइए आप सभी कैसे हो। तो धीरे धीरे करके मैं इसको सभी को क्लीन कर लूँगी, फिर यहाँ पर ना मैं पानी की मदद से इसको वॉश करूँगी, और जैसे कि मैंने साबुन लाया था साथ में, साबुन लगा के इसको साफ़ किया था, तो बहुत ही ज़्यादा निकला भी था इसमें, यहाँ पे धूल मिट्टी निकली थी, क्योंकि खेत वगैरह है ना पीछे, तो सारी धूल मिट्टी अंदर तो आती ही रहती है। और यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और मेरा कैमरा शायद अच्छे से नहीं लगा। और ये देखिए इसको यहाँ पे जाली है, अंदर से भी मैं इसको साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। तो आप सभी का साथ बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ, अब मैं यहाँ पे इसको पानी से धो लूँगी अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे मुझे धोना, और काफ़ी बार मैं इसे धोती रहती हूँ, क्योंकि
किचन में काम तो होता है, खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो टाइल्स पे लग ही जाता है, सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। तो अभी मैं ऊपर से डब्बे वगैरह है जो उसको तो क्लीन किया हुआ है, पहले से क्लीन थे, लेकिन यहाँ पे टाइल्स वगैरह थी ना उस पर बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह तड़के के छींटे पड़ जाते हैं, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इसी से ही मैं साफ़ कर लूँगी, तो ऊपर का रहने देती हूँ। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, उसी वजह से मैंने इतना ही क्लीन किया, लेकिन मैं आपके लिए ब्लॉग लाना चाहती थी, क्लीनिंग ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि चलो इतना तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से टाइल्स को ना साफ़ कर लिया पहले साबुन की मदद से, और बाद में इसको मैं पानी से धो दूँगी अच्छे से। पूरा किचन मैं पानी से के साथ ही धो देती हूँ, और पाइप वहाँ पे पहुँच नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक गिलास के साथ ही इसको धो लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही मिट्टी वगैरह निकलती है, सब्ज़ी वगैरह छींटे वगैरह पड़े होते हैं वह निकल रहे हैं। तो अच्छे से मैंने वाइपर की मदद से पानी निकाल दिया। अब आई है इसकी बारी गैस की मेन, और यहाँ पे भी आपको पता है दूध वगैरह उबल जाता है, तो उसको भी मैं स्टील वूल की मदद से साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ करूँगी इसको भी। और ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो ये अगर ये गंदा दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगता, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पहले मैंने स्टील वूल की मदद से इसको साफ़ किया है, उसके बाद मैंने कपड़े के साथ इसको वॉश कर दिया है अच्छे से। और ये साइड पे जो आपको थोड़ा ख़राब सा दिखाई दे रहा होगा, ये कलर ही है ऐसा, मैंने काफ़ी टाइम इसको वॉश करने की कोशिश की है लेकिन साफ़ नहीं होता है ये। और जब हम नेक्स्ट टाइम कलर वगैरह करेंगे तो इसको भी फिर अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, मैं उसको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम पे वीडियो शूट कर रही थी, तो खाना वगैरह हमने सभी ने खा लिया था, और खाना खाने के बाद हम यहाँ पे मैं बर्तन रखे थे तो उसको भी मैं साथ में ही वॉश कर लिया मैंने। तो वॉश करने के बाद मैं लगा दूँगी ऊपर रैक में इस बर्तन को, सभी बर्तन को। और ये देखिए, मेरे बर्तन भी सभी मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी छींटे वगैरह, हम जब बर्तन वॉश करते हैं तो साबुन के छींटे पड़ जाते हैं वहाँ पे टाइल्स पे, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उनको भी धो दूँगी पानी की मदद से। पाइप नहीं चल रही थी, ये वॉशिंग मशीन की पाइप है, तो ये पाइप मुझे अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पे ना नल पे लगा रही थी, लेकिन लग नहीं रही थी क्योंकि पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा प्रेशर था, इसी वजह से नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साबुन लगा दिया है, पूरे स्टील वूल की मदद से इसको साफ़ कर लिया है मैंने यहाँ पे। तो देखती हूँ पाइप लगती है कि नहीं, नहीं लग रही थी पाइप, तो उसको मैंने पकड़ लिया एक हाथ से, तो इसको टाइल्स को मैंने धो दिया अच्छे से पानी की मदद से, और देखिए अच्छे से साफ़ हो गई हैं टाइल्स। और ना किचन एक मेन चीज़ है, यहाँ पे हम खाना वगैरह लेडीज़ बनाती हैं ना, तो किचन हमारा सबसे करीब रहता है हमारे, और इसको साफ़ रखना हमारी ड्यूटी बनती है। और यहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, वही क्लीन चाहिए हमको। तो यहाँ पे इसमें ना पानी डाल के रखा हुआ है, जो कभी कभी ना पानी की दिक्कत आ जाती है, तो उसी वजह से ना हम पहले ही पानी स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में बनाए हुए थे दोपहर को चावल बनाए हुए थे। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी साइड आ गई हूँ, यहाँ पे भी मैं टाइल्स को ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी स्टील बुल की मदद से, और ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, वॉइस भी ओवर नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं कोई म्यूज़िक लगाती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो उसी वजह से मैंने अब म्यूज़िक लगाना छोड़ दिया है। तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है कि बाद में कॉपीराइट आ जाए। मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने उसको ना डिलीट करके मैंने उसको दोबारा से अपलोड किया था, और मेरी वीडियो पिछली बहुत ही अच्छी गई है, आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी रहा है। यहाँ पे ना पापा लेकर आए थे आम, तो उस आम को भी मैंने धो लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मशीन को भी रख दिया है मैंने जहाँ पे प्याज वगैरह हम करते हैं। और यहाँ पे लगा दूंगी बर्तन मैं सभी, और यहाँ पे आम है जो उनको मैं वॉश करके रख लूँगी। तो सारी किचन तो मैंने क्लीन कर ली है, अब आगे है, अब मैं ना जो नीचे टाइल्स है वो भी थोड़ी ना गंदी हो रखी थी, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ स्टील वूल की मदद से। मैंने इसको ना अच्छे से साफ़ कर लिया, और बार बार मैं कैमरे की तरफ देख रही थी, मैं देख रही थी कि कैमरा अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे जो भी
टाइल्स पे लगी हुई हैं, क्योंकि टाइल्स हैं तो गंदी तो जल्दी हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना पानी की मदद से मैंने धो रही हूँ अच्छे से, बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ यहाँ पे टाइल्स को। तो आप सभी को मेरा क्लीनिंग ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और वाइपर की मदद से ना पानी निकाल दूंगी, पानी निकालने का बंदोबस्त तो हमारे किचन के अंदर ही है, तो मैं सारा पानी उसी नल नीचे से निकाल रही थी उसको पानी को। और देखिए यहाँ पे निकाल दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने किचन को। और टाइल्स को साफ़ रखना भी चाहिए क्योंकि ये सामने दिखाई देती है तो अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए यहाँ पे भी मैं अच्छे से निकाल दूँगी, पूरे साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे पाइप की मदद से भी पानी चलाऊँगी, तो जो भी जितना भी गंदा था मैंने सभी साफ़ कर दिया है, यहाँ पे क्लीन कर दिया है अच्छे से। और उसके बाद पानी निकाल दिया मैंने, जितना भी गंदा पानी था वो सब निकाल दिया है। और जो दो बाल्टी यहाँ पे रखी हुई हैं, एक बड़ी बाल्टी में भी हमने जो अपना राशन वगैरह है वो रखा हुआ है, क्योंकि रैक वगैरह हमने अभी तक नहीं लगाए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मेरा किचन क्लीन हो चुका है, तो आप देखिए कैसे मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है। आई होप आपको मेरी क्लीनिंग पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स सारी क्लीनिंग हो चुकी है, किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है, ऊपर से सारा क्लीन था और मैंने सोचा कि चलो ऊपर का रहने देती हूँ और नीचे वाला सब टाइल्स वगैरह साफ कर देती हूँ, उनको क्लीन करती हूँ, तो वही मैंने किया है। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैंने हल्का फुल्का ही क्लीन किया है, और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी मेरी किचन क्लीनिंग। तो मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक आपको बोलते हैं बाय।